लोगों को अनसुनी करना, विपक्ष को अहमियत नहीं देना, ये केंद्र की बीजेपी सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री दीदी का गंभीर आरोप है। और ये बता रहा है कि इस नीति आयोग की बैठक से कोई देश के हित की बात नहीं। सरकार के सहयोगी दल, उनको भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है, तो जा कर के आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या करते हैं? और जाते किस मुँह से जाते जब कुछ मिला ही नहीं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कोई गायब कानून बना उसमें भी नहीं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। कल नीति आयोग की बैठक थी जिसमें तमाम कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, कई राज्यों के नेता पहुंचे हुए थे और वहाँ पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुँचे हुए थे। और ख़ास आरोप उन्होंने लगा दिया है, उन्होंने कहा है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। अब इस चीज़ को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि नीति आयोग में एक मुख्यमंत्री गई और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। क्या कहेंगे, नीति आयोग की बैठक हुई, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि माइक बंद कर दिया गया था, नीति आयोग कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए, ये सबको पता है, इस नीति आयोग की बैठक में क्या होना है ये सबको पता था। इसलिए जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों ने बहिष्कार किया। ये नीति आयोग की बैठक में देश की नीति, देश के नौजवानों, गरीबों, युवाओं, किसानों, मजदूरों के हित के लिए नीति नहीं बनानी है। ये नीति आयोग की बैठक तो बीजेपी की नीति बनाने के लिए कर दी जा रही है। चिराग पासवान बोले कि हम भी उसी बैठक में थे, ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है वैसा कुछ नहीं हुआ था। नीति आयोग के सीईओ ने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी बात को रख दिया था। अब ये लोग करेंगे क्या? ममता दीदी गई, ममता दीदी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से सत्ता में बैठे लोग अगर विपक्ष की बात को नहीं सुनेंगे तो लोकतंत्र में, संविधान में सरकार का अंग विपक्ष होता है, और विपक्ष की बातों को अनसुनी करना, विपक्ष को अहमियत नहीं देना, ये केंद्र की बीजेपी सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फितरत बन गई है। अब जब आप किसी की सुनेंगे नहीं, किसी का राय नहीं जानेंगे, किसी से सुझाव लेंगे नहीं, अपनी मनमानी चलाएंगे, हिटलर शाही, तानाशाही, तो अब जो लोग सरकार में हैं, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी की नीतियों को ही लागू कराने में अपनी हाँ भर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे? लेकिन ममता दीदी का गंभीर आरोप है और ये बता रहा है कि इस नीति आयोग की बैठक से कोई देश के हित की बात नहीं, ये सिर्फ बीजेपी के नीति के लिए हो रही बैठक। नीतीश कुमार कल नहीं गए थे बैठक में, कहा जाता है कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में टेंशन चल रही है कुछ। आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस बात का आभास, एहसास पहले से ही था कि इस नीति आयोग की बैठक से कोई निष्कर्ष, कोई फलाफल निकलना है नहीं, किसी का वहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, किसी को बोलने दिया जाएगा नहीं। विशेष राज्य के विपक्ष रहे, विपक्ष रहे या सरकार के सहयोगी दल, उनको भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है, तो जा कर के आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या करते? उन्होंने पहले ही बैठक से दूरी बना ली, और जाते किस मुँह से जाते जब कुछ मिला ही नहीं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बिहार को झुंझुना थमा दिया गया, तो वो क्या जाते? इसलिए उन्होंने दूरी बना ली बैठक से। कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मानसून सत्र के दौरान गायब थे और लास्ट दिन वो आए भी तो सदन में नहीं गए। कहीं कोई गायब नहीं, कानून बना उसमें भी नहीं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं, जनता के बीच में 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव जी का दौरा हो रहा है। कानून बन रहा था क्या? विधानसभा में कानून बन रहा था और उस वक्त सरकार तो विपक्ष की वहाँ सुन ही नहीं रही है। आप तो देख ही रहे हैं सरकार का क्या नियम और कानून चल रहा है।
नियम कानून का सबका गला घोटा जा रहा है, सरकार का वहाँ सुनकर क्या करना है। जनता की सुननी है, जनता की आवाज़ तेजस्वी यादव जी हैं और जनता के दिलों पर राज करते हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को पता है कि कौन उसके हित की बात कर रहा है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे, राजद से प्रवक्ता, और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर सदन से गायब क्यों है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष 15 अगस्त से जनता के बीच जाने वाले हैं और इसी की तैयारी वो कर रहे हैं। और रही बात ना जाने की विधानसभा में, तो विधानसभा में सरकार अपनी अलग नीतियों पर काम कर रही है, सरकार तानाशाही रवैये पर काम कर रही है और इसीलिए हम नेता प्रतिपक्ष जो है वो वहाँ पर नहीं गए। उनके जानने उन्होंने साफ तौर पर ये बात का आदेश भी दे दिया। एक तरीके से उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जनता के दिलों में राज करते हैं और इसीलिए वो जनता के बीच जाएंगे। ममता बनर्जी के आरोप पर भी कहा है कि मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री को अगर इस तरीके से नीति आयोग में बोलने नहीं दिया जाता है और उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि वो झूठ कह रही हैं, तो ये भी सरासर गलत है। नीति आयोग की बैठक में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बोलने नहीं दिया, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। फिलहाल देखना यह होगा कि नीति आयोग की बैठक के बाद से ये तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं ममता बनर्जी के आरोप के बाद से, अब नीति आयोग ने उस पर खुद ही फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ममता बनर्जी ने अपनी बातों को रख दिया था। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता के बीच जाने वाले हैं, जनता के बीच जा करके और विधानसभा चुनाव की एक तरीके से तैयारी शुरू हो गई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।